हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि वेंकटेश्वर सर अब हमारे बीच नहीं रहे, और क्यों, कैसे, क्या हुआ ये सब आपको पता है कि बिकॉज ऑफ एक एक्सीडेंट से वो हुए, तो जिस वजह से ऐसा है। बट हाँ, उनकी जो यादें हैं, उनकी जो बातें हैं, वो हर एक बैंकर के अंदर होनी चाहिए और हर एक स्टूडेंट्स के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हर बैंक के एग्जाम्स को, बैंक को एग्जाम्स को क्लियर करने में, हर एक एक स्टूडेंट्स का इंटरव्यू में भी काफी बिल्कुल हेल्प किया है। तो समझिए सर, थैंक यू रोहित सर। जैसा कि रोहित सर ने बताया कि वेंकटेश्वर लू सर का जो रोल था वो गाइडली में बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत और इसका इंपॉर्टेंस हर एक बैंकिंग एस्पिरेंट्स को पता है। जो अब बैंकिंग एस्पिरेंट जो कि बैंकिंग जर्नी की तैयारी कर रहा है, जो कि PO लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, और उसको इंटरव्यू में किन डिफिकल्टीज का को फेस करना पड़ता है, उसको अपने विजडम अपने नॉलेज से वेंकटेश सर ने बिल्कुल ईजी कर दिया। उन्होंने पिछले कई सालों से हजारों स्टूडेंट्स को उस जर्नी में पहुंचाने में हेल्प की है, और उस चीज़ को हम लोग मिस कर रहे हैं। साथ में हमारे सारे बैंकिंग एस्पिरेंट्स भी मिस कर रहे हैं। तो हमारी गाइडली टीम ने ये डिसाइड किया है कि हम वेंकटेश वर्लू सर के सारे रिकॉर्डेड वीडियोज जो हमारे पास अवेलेबल है अवेलेबल है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक बैंकिंग एस्पिरेंट्स को प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वेंकटेश सर का एक विजन था, एक ड्रीम था। वो चाहते थे कि जो भी बंदा, जो भी स्टूडेंट एक बैंकिंग इंडस्ट्री में अपना कदम रखना चाहे, उसको वो हेल्प करना चाहते थे, और उसके उन विचारों को, उनके उस विजडम को हम लोगों ने फुलफिल करने के लिए अपने सारे वीडियो जो कि वेंकटेश सर द्वारा रिकॉर्ड किए गए हैं, वो सारे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वेबसाइट पे मिल रहे हैं। और साथ ही साथ अब जो उनकी लास्ट हम लोग को याद है, अभी आप लोग ने देखा एक एनिवर्सरी का वीडियो अपलोड हुआ है। सो दिस इज अ 10th एनिवर्सरी ऑफ गाइडली, बट समीर सर 8th एनिवर्सरी में सर हम लोग साथ मिले थे, अब वो हम लोग आज यहाँ पर हैं ऑफिस में, बहुत मिस कर रहे हैं सर। 10th एनिवर्सरी नहीं, आई मीन जस्ट अप्रैल में हम लोगों ने सक्सेस सेलिब्रेशन किया। जितने भी स्टूडेंट सिलेक्टेड थे वो उनसे मिले, उनके साथ उन्होंने विजडम अपना शेयर किया, हाँ, और आज उन्हें हम मिस कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं ऑफ कोर्स। सो उनके याद में हम लोगों ने एक एल्बम यहाँ पे दिया, सारी जितनी जर्नी है वेंकटेश्वर सर की, जितनी भी जर्नी है गाइडली के साथ, वो सब हम लोग ने इस एल्बम में शेयर किया है। हमारे 8th एनिवर्सरी की फोटो फोटोज है। सर वेंकटेश सर का क्या विजन था, क्या वो चाहते थे, वो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, वेंकटेश सर इतने एजड और इतने एक्सपीरियंस पर्सन होने के बाद भी बिल्कुल डाउन टू अर्थ बिल्कुल हम्बल थे। अगर उनके पास आप कोई डाउट पूछने जाता था, कोई भी नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट था, उसको बहुत ही स्माइल के साथ ग्रीट करते थे, और उसको अपने तरफ से जो भी वो शेयर कर सकते थे नॉलेज, वो उनको शेयर करते थे। मैं ये कह सकता हूँ, जिस किसी ने इंटरव्यू में सर के साथ इंटरव्यू दिया है, वो जरूर इस बात पे आके एग्री करेगा कि सर की जो पॉजिटिविटी एनर्जी थी ना, वो जरूर सर स्प्रेड करते थे, हंस के करते थे, बस अच्छा लगता था उनसे बात करना, उनसे नई नई चीजें मिलती थी। इस फोटो में आप देख सकते हैं एवरीवेयर ही इज स्माइलिंग एवरीवेयर। कि ये हमारे जो सक्सेस सेलिब्रेशन हुआ था उसमें हमारे सर अवेलेबल है, ग्रैंड सक्सेस सेलिब्रेशन जो अभी हम लोगों ने दिल्ली में किया था, वहां पे भी सर अवेलेबल थे। गाइडली की ईच एंड एवरी फंक्शन में वेंकटेश्वर सर अवेलेबल रहते थे, और दिस टाइम हम लोगों ने वेंकटेश्वर सर की फैमिली को इनवाइट किया, वो आए यहाँ पे, और काफी सबको अच्छा लगा उनके क्या देखिए क्या रोल उनका रहा है, वो सब उनकी फैमिली ने यहाँ पे बोला, बहुत अच्छा लगा उनकी फैमिली से भी मिलकर। यस सी complete album is there of Venkateshwar sir, guys. You all can see the charm and smiling. Yeah, on his face. See smile. Always smiling, always guiding with their wisdom. So we are missing sir. Fine. So guys, आप लोगों से सिर्फ यही है कि गाइडली ने अगर आपको ये वीडियो कोर्स दिया है विदाउट किसी कोई भी फीस, कोई चार्जेस नहीं, तो उसको यूज करें और सर का जो भी विजन है उसको पूरा करें, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।